प्रतिदिन की तरह आज शाम को भी देर रात अभियान शुरू किया गया पुलिस के द्वारा, जिसमें खुले में शराब पीने वालों को, नशे में गाड़ी चलाने वालों को, तीन सवारियों के खिलाफ। इस क्रम में दो थाना क्षेत्रों, थाना 20 और थाना 58 में दो अलग अलग घटनाओं में पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हो गए और चार अन्य को गिरफ्तार किया गया। पहली घटना थाना सेक्टर 20 की है, जिसमें अट्टा पीर से डीएल माल की तरफ जाने वाले तिराहे पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें से एक मोटरसाइकिल में दो लड़के आते हुए दिखाई दिए। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये रुके नहीं और उनमें से एक ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाब फायरिंग की। इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई और उसे पकड़ लिया गया। दूसरा बदमाश मौके से ही भाग गया, जिसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। घायल बदमाश से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये, इसका नाम नीरज है और ये हरौला का रहने वाला है। उसने बताया कि ये मेरे पास जो मोटरसाइकिल है ये चोरी की है और हम इससे मोबाइल की स्नैचिंग करते हैं। इस पर अभी इससे गहन पूछताछ की करके आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी इसे अस्पताल भेजा जा रहा है। दूसरी घटना थाना 58 क्षेत्र की है, सेक्टर 55 स्थित रेडिशन के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें दो मोटरसाइकिल से पांच व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। ये रॉन्ग साइड खोड़ा की तरफ से आ रहे थे। इन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। तीन में से एक बदमाश ने पुलिस पर फायर किया, जिसे पुलिस कर्मी बाल बाल बचे। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक के पैर में गोली लग गई और बाकी और चार भागे। दोनों मोटरसाइकिलें छूट गई थी इनकी। पुलिस ने कामिंग करके चार और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें जो घायल बदमाश है उसका नाम पिंटू है और वो दिल्ली का रहने वाला है। इसके पास से दो मोटरसाइकिलें जो ये छोड़ के भागे थे बरामद हुई हैं। एक कंट्रीमेट पिस्टल भी बरामद हुई है। बाकी चारों से गहन पूछताछ करके आगे की विधिक कार्रवाई दोनों घटनाओं में की जा रही है। घायल को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।